नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। उपस्थित है जनपद गोरखपुर में। जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पे है और सभी प्रत्याशी अपने अपने मुद्दाओं को लेकर के सामने आ चुके हैं। इसी क्रम में फास्टर प्लस न्यूज प्रत्येक प्रत्याशियों से मिलकर उनके वार्ड की समस्याओं को पूछा जा रहा है और क्या रणनीति बना करके वो लोग चुनाव में आए हैं, मुलाकात हो रही है। इसी में हम उपस्थित हैं वार्ड नंबर 36 में और 36 के पार्षद पद के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम जानकारी ये लेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं और किन किन मुद्दाओं को लेकर के वो चुनाव में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है और आप किस वार्ड से किस पद के उम्मीदवार हैं? मैं पार्षद पद का उम्मीदवार हूँ वार्ड नंबर 36 लोहिया नगर से। और मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जनता तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नेताजी, आप चुनाव में आए हैं और चुनाव इसलिए लोग कहते हैं कि लड़ा जाता है कि आपके वार्ड में जो समस्या है उस समस्याओं को लेकर के आप लड़ेंगे। तो सबसे प्रमुख समस्या जो आपके सबसे गंभीर समस्या आपके वार्ड में वो क्या होने वाला है, जिसको आप सबसे पहला काम करेंगे पार्षद चुनने के बाद? हमारे वार्ड में सबसे बड़ा काम है जल जमाव का। हर बार की भांति इस बार भी पूरे बरसात में पूरे जल जमाव लगा रहा। बरसात की बात ही छोड़ दीजिए, बारह महीना ऐसे नगर हमारे क्षेत्र है भाग संख्या जहाँ पे हमेशा बारह महीने पानी लगे रहते हैं। उसके उपरांत हमने 20 तारीख को अक्टूबर में एक लड़ाई लड़ी थी जिसके लिए यहाँ पे सीवर पाइपलाइन लगवाया गया था अनशन प्रदर्शन के द्वारा। 84 बच्चों की लड़ाई लड़े हैं छात्र और छात्राओं के लिए बालक बालिका इंटर कॉलेज एनी रेलवे। उसके उपरांत पोल लगवाने का काम हुआ। आय जाति निवास के साथ साथ पेंशन, वृद्धा विधवा और तमाम ऐसे कार्य किए गए पूरे कोविड में। घर से निकल करके हमने पूरी मदद की लोगों की, जिसमें मैं पॉजिटिव भी हुआ, 16 दिन मैं क्वारंटाइन भी रहा, लेकिन जनता के सेवा के लिए पीछे नहीं हटा। मैं एक समाजसेवी हूँ, लोगों के कहने पर मैं प्रत्याशी हूँ। आप युवा हैं, युवाओं का कितना साथ मिल रहा है? युवाओं का पूरा भरपूर साथ है। आप युवा हैं, कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं वो ये नहीं ना सजाया लवंडी है, बैनर पोस्टर लगा दिया है, ऐसा नहीं ना सोच रहे हैं? मैं उन सारे लोगों से यही पूछना चाहता हूं कि जो भी प्रत्याशी यहां पे प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आप पूछे पूरे 5 साल के कार्यकाल में, पिछले 5 साल के कार्यकाल में पूछ ले सामाजिकता का एक कार्य कोई गिना दे तो मैं समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। पूरे 5 साल में एक कोई सामाजिकता का कार्य हो गिना दे, मैं मान जाऊंगा उस प्रत्याशी को। सारे लोग बैनर पोस्टर लगा के चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन शिवा यादव एक ऐसा नेता है जो जनता के बीच में रह करके चुनाव लड़ रहा है। पढ़ाई कितनी है? हमारी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो चुकी है, ITI होल्डर हूँ अभी, मतलब ये भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो इतनी डिग्री रखने के बाद भी आप राजनीति में क्यों आ रहे हैं, नौकरी सेक्टर में क्यों? हमारे वार्ड की जनता और मैं वार्ड की जनता को देखते हुए, ठीक है, इतना प्रताड़ित हूँ मैं खुद। प्रताड़ित होने के बाद जब लड़ाई लड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी अगर हमारा वार्ड, हमारा क्षेत्र अगर इतना पिछड़ा है, सिर्फ धनुवाई किया जा रहा है, तो इसके लिए मैंने एक भूमिका कदम निभाई है, उठाई है। उम्मीद है जनता अगर हमारा साथ देगी तो मैं भरपूर काम करूँगा, धनुबाई न करके वार्ड को विकास की गति दिलाऊंगा। पार्टी से मैं निर्दल प्रत्याशी हूँ, अभी तक हमारा कोई नहीं है, मतलब किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं। तो देखा जाता है, कहा जाता है कि योगी जी का गढ़ है और इसमें जो है भाजपा ही आने वाला है, तो कैसे टक्कर मारेंगे आप? देखिए, इंसान को अपने कर्मों पर देखना चाहिए। मैंने जितनी भी लड़ाई लड़ी है उसमें महाराज जी का सर्वश्रेष्ठ योगदान रहा है, उनके चलते हमारे कई काम हुए हैं। मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि मैं अपने कर्मों पे लड़ रहा हूँ। यह व्यक्तिगत चुनाव है, जनता व्यक्तिगत को सामाजिकता को देखते हुए अपना मत अपने प्रत्याशी को, वार्ड के लीडर को चुनेगी। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे पार्टी देखकर जो लोग वोट कर देते हैं वही 5 साल भुगतते हैं। कहते हैं कि जाति धर्म और मजहब के नाम पे वोट देने के बाद 5 साल लोग भुगत रहा है गोरखपुर। अब गोरखपुर जो है बड़े बड़े चैनलों पे दिखाया जाता है कि जल जमाव का शिकार है गोरखपुर, और इसी कारण से क्योंकि जाति धर्म और मजहब के नाम पे, पार्टी के नाम पे लोग वोट दे करके 5 साल भुगतते हैं। और जब बारिश आया है तो भुगत पूरे चैनल पे, बड़े बड़े टीवी चैनलों पे चला है। लेकिन इस बार का चुनाव जो है देखना है कि गोरखपुर की जनता फिर जाति मजहब और धर्म और पार्टी के नाम पे वोट करती है कि ऐसे होनहार लोगों का कदम से कदम मिला करके इनको आगे बढ़ाती है। अगर यहाँ की जनता जो है आपको पार्षद चुन देती है तो जनता के लिए क्या विशेष काम करने वाले हैं जो आप अपने तरफ से मुद्दा में रखे होंगे? सबसे पहले तो 5,000 पेड़ लगवाने का वृक्षारोपण का काम किया जाएगा। तमाम हमारे वार्ड में जो पार्क है उसकी सुंदरीकरण की जाएगी, अच्छी
पुल पे लाइट, पीने का उत्तम पानी का व्यवस्था, अच्छी रोड, जल जमाव की मुक्ति हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मेरा नाम हो, मुझे धनुगाई नहीं करनी है, मुझे सिर्फ नाम चाहिए। ये बातें जो है चुनाव से पहले सभी नेता करते हैं, आप वो कर रहे हैं और उसके बाद सब ये जो है भुला जाता है। चलिए कोई बात नहीं, जनता जानती है कि सिर्फ किसी का कार्यकाल 5 साल रहता है, उसके बाद किसी का कार्यकाल नहीं रहता है। आप नहीं भुलाएंगे? जी नहीं, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि मैं 5 साल पूरा कार्यकाल में मदद करके लोगों को, समाजता का कार्य करके चुनाव लड़ रहा हूँ, न कि बरसाती मेढक की तरह मैं बैनर पोस्टर लगा के चुनाव लड़ रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बाबू कहते हैं, बबुआ कहते हैं, तमाम चीज़ें हमारे ऊपर टिप्पणी की जा रही है, लेकिन आप उनसे पूछें कि 5 साल के कार्यकाल में तुम एक काम बताओ, मैं आपसे बताया है। बिल्कुल, अगर जो व्यक्ति काम नहीं किया होगा वो इस तरह से बोल नहीं पाएगा, ना ही अपना काम को गिना पाएगा, क्योंकि जो चला रहेगा वार्ड में और जो घूमा रहेगा वही वहाँ की जमीनी स्तर की समस्या को जान पाएगा और बता पाएगा। तो नेताजी, आप जो है चुनाव में जब घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, महिलाओं से क्या समर्थन मिल रहा है, कितना परसेंट महिलाएं आपके साथ? जिसके साथ मैं चला हूं, जिसके लिए मैं थोड़ी बहुत मदद किया हूं, उसके साथ साथ 2-4 जुड़ने का भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति चल रही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि महिलाओं के साथ साथ बड़े बुजुर्गों का, छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, सबका साथ मिलेगा, मैं चुनाव निकालूंगा, मुझे आशा है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं करके दिखाऊंगा। कई सारे प्रत्याशी कह रहे हैं कि सब पैसा का खेल है, पैसा बांटेंगे चुनाव हम जीतेंगे। जी, पैसा कितना खर्चा करेंगे? मेरे पास पैसा है या नहीं है, मैं पैसा क्या खर्चा करूंगा? मेरे साथ 10 लोग वही चलेंगे जो मांस मुर्गा मीट पे नहीं बल्कि मेरे असली समर्थक होंगे, वही मेरे साथ चलेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं आज मैं 10 रुपया खर्चा करके चुनाव जीत जाऊंगा, कल वही मेरा 10 रुपया मेरे लिए काल बन जाएगा। मैं लंबे रेस का घोड़ा बनना चाहता हूं, इसलिए मैं बिना पैसा खर्चा किए मैं लोगों की मदद करके चुनाव लड़ना चाहता हूँ जमीनी स्तर पे। बिल्कुल, यह मैं आपको दिखाऊंगा, आज भी सच्चाई है, वोटर लिस्ट में नाम बड़ा और तमाम ऐसे काम हमने किए। मेरे गुरु ने कहा कि बेटा हार जाना लेकिन ईमानदारी से चुनाव लड़ना, मैं उनकी बातों को फॉलो करते हुए ईमानदारी की चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं कोई गलत काम ऐसा नहीं किया हूँ। कसम खाने के लिए, गीता पे हाथ रखने के लिए, गंगा उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। कोई प्रत्याशी अगर हो तो हमारे सामने ले आइए, उसे मिलवा दीजिए। ईमानदारी से आप बात करें, डर नहीं लगता है? मैं गलत किया नहीं हूँ तो किस बात का डर? आप बताएं, अगर आप किसी चीज को गलत किए रहेंगे तो आप उससे भागेंगे, लेकिन आपने जब कोई गलती नहीं की है तो आप दहाड़ के बात करेंगे। मैं वही कर रहा हूँ, मैं अपनी अपनी बातों को जनता के बीच में रख रहा हूँ। अगर मेरी एक बार कोई गलत हो तो कोई हमको बता दे, ब्लेम करे। अच्छा ये बताइए, कितना कमाएंगे? कमाने या खाने वाली बात देखिए कुछ नहीं है। मैंने आपसे इसके पहले भी यह चीज कहा है कि मैंने धनुगाई के लिए यह चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक नाम चाहिए, मुझे पद चाहिए। मैं जो कार्य कर रहा हूँ पद पे आने के बाद उसकी गति को मैं दुगना करके दिखाऊंगा, इसकी मैं शपथ लेता हूँ इस चीज के लिए। तो ये रहे वार्ड नंबर 13 36 वार्ड नंबर 36 के पार्षद पद के प्रत्याशी हैं जनपद गोरखपुर के, और इन्होंने बताया कि हम जो है इन मुद्दाओं पे काम करेंगे जीतने के बाद। जीतने के बाद अगर आप जीत जाते हैं, यहाँ की जनता आपको पार्षद चुनती है, तो फास्टर प्लस न्यूज फिर पुनः दोबारा आएगा सर, और जितने भी वादे किए हैं हमारे पास ऑन रिकॉर्डेड है, इस पर सवाल हम करेंगे, तैयार रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरी कार्रवाई के साथ हमारे पास आइएगा। अगर मैं उस पर निर्वहन नहीं करूंगा, अगर काम नहीं करूंगा, तो मैं आज ही महादेव की कसम खा के कहता हूँ कि आप जो चाहिएगा वो करिएगा, मेरे मालिक मेरे महादेव। अंत में चुनाव को लेकर के वार्ड नंबर 36 की जनता से क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे? यही अपील करूंगा कि हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि वार्ड में परिवर्तन की अति आवश्यकता है, वार्ड में परिवर्तन करें। एक युवा, एक नौजवान, मुझे संघर्षशील कर्मठ प्रत्याशी हूँ, मुझे आप लोग अपना बहुमूल्य मत दे करके, ना पार्टीगत से ना किसी मत से, आप मेरे सिंबल पे व्यक्तिगत वोट दे करके मुझे जिताइए, मैं आपके वो सारे चीज़ को पूरा करूंगा जो अभी तक इतिहास में हमारे वार्ड में नहीं हुआ है। भैया क्या कहेंगे सर? भाई जनता का सहयोग इनको पूरा मिल रहा है, और शुरू से ये पिछले 5 साल से ही नहीं, इससे पहले से भी लोगों के बीच में ये रहा है, लोगों के लिए कार्य भी किया है, चाहे वो कोविड में हो, हमेशा दौड़ के मेडिकल कॉलेज जाना, लोगों को दिखाना, आज भी इनकी दिनचर्या यही है। लोगों के बीच में कैसी छवि है, लड़कपना नहीं ना? नहीं, देखिए एक उम्र के बाद में चोटी अपने आप आ जाती है, और मैं चोटी इनके अंदर आ चुकी है, और लोग इनको, लोगों का प्यार इनको और सपोर्ट भरपूर मिल रहा है। लड़ाई लड़ पाएंगे सर, काम ला पाएंगे अपने वार्ड में? एकदम, अपने दम पे जो अभी तक कोई नहीं करा पाया, और इसने पिछले कुछ साल में
कई ऐसे काम करा दिए जिसके लिए लोग काफ़ी परेशान थे, जैसे यहीं पे सड़क आप जहां बैठे हैं ऐसे मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पे साल भर पानी लगा रहता था, जो इनके प्रयास से वो चीज़ को दूर किया गया। और आज भी आप देख सकते हैं मोहल्ले में घूम के चारों बगल हर जगह जल भराव की स्थिति है, कहीं नाली 3 फीट नीचे, नाली सड़क 3 फीट नीचे और नाली 3 फीट ऊपर कर दिया गया है, तो लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। और इन चीज़ों का सबसे बड़ा समस्या हमारे वार्ड में पिछले 5 साल से ही नहीं उससे पहले से रहा है, और जो पार्षद वर्तमान पार्षद हैं उनकी नीतियां गलत होने की वजह से पूरा वार्ड आज ये झेल रहा है। तो क्या लग रहा है ये सुधार करेंगे? एकदम करेंगे। तो अभी हम उपस्थित हैं वार्ड नंबर 36 में और 36 के ये पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनकी छवि कैसी है, इनको वोट करना है कि नहीं करना है, और ये आप लोगों का काम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए और इनके लिए कमेंट जरूर लिखिएगा। देखते रहिए फास्टर प्लस न्यूज़, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।